आई एस सर्टिफिकेशन क्या प्रोसीजर और क्या असेंशल्स हैं जिसके जरिए सर्टिफिकेशन हासिल की जाती है इसमें एक जो सबसे अहम नुकता है वो मैनेजमेंट कमिटमेंट का है उसकी रीजन ये है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है कॉम्प्लिकेटेड है कम्बरसम है डिफिकल्ट भी हो सकता है एंड ऑन द टॉप ऑफ इट एक्सपेंसिव भी है तो एक स्ट्रांग कमिटमेंट रिक्वायर्ड है ऑन द पार ऑफ द मैनेजमेंट दैट दे है सीन एंड देन कमिटेड कि हमने आई एसओ नाइन थाउजेंड सर्टिफिकेशन करवानी अब इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी जिस जो आपको सर्टिफाई करे जो आपको सर्टिफिकेट दे जो आपको गाइड करे आप उन प्रोसीजर्स को फॉलो करें जो आ, काम करने वाले हैं वो काम करवाएं, जिन जिनकी सीक्वेंसिंग चेंज करने वाली है वो सीक्वेंसिंग चेंज करें और जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनसे गुजरें ताकि इन द एंड आपको सर्टिफिकेट मिल सके कि आप आई एस ओ नाइन थाउजेंड सर्टिफाइड कंपनी हैं अब ये जो कंपनी है जिसने आपको रजिस्टर करना है जिसने आपको सर्टिफाई करना है यू हैव टू चूज कि भाई वो कोई फॉरेन कंपनी होगी या वो कोई लोकल कंपनी होगी समटाइम्स देर आर कंपनीज विच हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स इन पाकिस्तान सो दे कूड आल्सो गाइड यू लुक इनटू योर प्रोसीजर्स फिर उसमें आपको बता सकते हैं वेर द शॉर्टेज आर और फिर एट द एंड दे कैन सर्टिफाई यू एज आई एस ओ नाइन थाउजेंड सर्टिफाइड कंपनी दूसरे ये है कि uh, हमें ये देखना है कि विच पर्टिकुलर मॉडल सूट्स और प्रोसेस क्या प्रोसेस है हमारा और जो आई के जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उनमें से आईएसओ सीरीज का कौन सा मॉडल है जो कि सूटेबल है हमारे कंसर्न के साथ उस उसके मुताबिक हम अपने आप को सर्टिफाई करेंगे तो उसकी सिलेक्शन फिर उसके अलावा जो स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है जो आईएसओ स्टैंडर्ड 9000 फॉर एग्जांपल आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपके जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए उसको डॉक्यूमेंट कर लें उसको लिख लें और फिर ये देखें कि क्या आपके पास मौजूद है और क्या प्रोसीजर्स करने वाले हैं तो ये काम जुबानी नहीं होगा इसको बकायदा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा देन द प्रोसीजर आल्सो रिक्वायर्स के आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हैं स्पेशली उनको ट्रेनिंग देनी ताकि वो समझ सकें कि आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या आ, काम होने वाले हैं क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं क्या प्रोसेस होने वाले हैं उनके मुतिक आई एस नाइन थाउजेंड क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं उसकी उनको समझें और उनको आ, उसके मुताबिक अपनी फैक्ट्री में अपने कंसर्न में अपने एंटरप्राइज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकें और चूंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इसलिए ईयर मार्क करने पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने इससे मुतलका तरबियत हासिल करनी है ताकि वो आ, इन प्रोसेस को इंश्योर कर सकें सर्टिफिकेशन लेते वक्त भी और उसके बाद भी दैट नीड्स ट्रेनिंग ऑफ सम एम्प्लॉयज Which are related to the quality control. And then it also require uh, a complete uh, implementation plan, ke keeping in view the requirements of uh, ISO 9000 certification, what needs to be done, and uh, how it will be done. Uski implementation, kitne phases me hogi, kitne me hogi, kya kya karne wala hai, और क्या हमने ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है उसके बारे में एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो होगा वो बनेगा विच गाइड अस दू द एक्टिविटीज नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर गोइंग इन टू सर्टिफिकेशन डिटेल्स